अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपको नए दिन और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल ब्रेड स्नैक्स रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी बगैर टाइम वेस्ट किए। 4 स्लाइसेस मैंने यहाँ पर ब्रेड के लिए हैं। सबसे पहले इनके जो ये ब्राउन एरियाज़ इनको रिमूव कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्राउन एरिया इनका रिमूव कर देते हैं। सारी ब्रेड के इसी तरह से जो ब्राउन एरिया रिमूव कर देते हैं। इस तरह का हमें एक स्लाइस चाहिए परफेक्ट, जिसका ब्राउन एरिया ना हो। 2 स्लाइसेस के मैंने ब्राउन एरियाज कट कर लिए हैं, बाकी के मैं कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ब्रेड के ब्राउन एरियाज मैंने कट कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो वो एक पैन ले लिया, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून बटर शामिल किया। इसको मेल्ट कर लेते हैं। बटर मेल्ट हो चुका है, इसमें हमने गार्लिक पेस्ट 1/4 शामिल किया है। इसको सौते कर लेंगे बटर के अंदर। बारीक चॉप की हुई प्याज है, इसके अंदर सौते कर लेंगे इसे भी। गार्लिक पेस्ट और अनियन चॉप किए हुए हम इसको सौते कर रहे हैं बटर के अंदर। चिकन यहाँ पर बॉईल करके शेड कर लिया था, इसको साथ ही हम फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमने सॉल्ट शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 बारीक कैप्सिकम मैंने इसमें शामिल की है, और साथ ही 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर है जो हमने स्लाइसेस में किया हुआ है बारीक। इन वेजिटेबल्स को साथ ही हम चिकन के सौते कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त सा कलर इनका लग रहा है। अब इसके अंदर ग्रीन चिलीज शामिल करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई। इसमें हम ब्लैक पेपर शामिल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में से मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल की है। 1/4 इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हमने मायनीज़ के शामिल किए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। मायनीज़ ऐड करने से इसका बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। 1 मिनट के लिए इसको और फ्राई कर लेते हैं, फिर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने फ्रेश क्रीम शामिल की है, टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार सी क्रीमी सी ब्रेड स्नैक्स की फिलिंग तैयार है। फ्लेम इसका ऑफ कर देते हैं। ये ब्रेड स्नैक्स की फिलिंग की 1 स्पून मैंने इसकी फिलिंग का ब्रेड पर लगा दिया। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड आउट इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। ब्रेड स्नैक्स की मैंने फिलिंग कर ली, अभी बारी है इनको कटिंग करने की। कटिंग कर लेते हैं। सेकंड की भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ब्रेड स्नैक्स बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी से तैयार होंगे। सेंटर में से भी इसके स्लाइसेस कर लेते हैं। अब इसको अंडे में कोट कर लेते हैं। अंडे की कोटिंग के बाद अब इसके हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। ऑयल को हमने गरम कर लिया था। अब इसके अंदर ब्रेड स्नैक्स डाल के इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ईच साइड से। फ्लेम इसका मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से ब्रेड स्नैक्स फ्राई हो गए, इनको निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली तैयार है मज़ेदार से क्रिस्पी से ब्रेड स्नैक्स जो हमने 4 स्लाइसेस से बनाए हैं, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है। ये इनकी फाइनल लुक है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।